गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड 9 गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम बराबर चैप्टर 2 अभ्यास बराबर कारक विभक्ति परिचय। मैंने आपको समझाया था 86 पेज नंबर 87, मैंने होमवर्क भी भेजा था 88, ये भी मैंने पढ़ाया था। आपे कोई ये वीडियो सांभळे हो तो तमने खबर हो, आ पण मैं वंचायू तू के सपन मा नो नी नू ना रा रे री रू बराबर आनु पण मैं समझायू तू के विभिन्न क्रियाओं में संदर्भ जुदा कारक तरीके भाग भजवे छे। आमा पण पछी आ पुस्तकम अस्ति छात्र पुस्तकम पेज ए भी मैंने पढ़ाया था। बालिका अस्तेन श्लोकम लिखति पाचक अग्निना ओदनम पचति देवगण मेघाया मेघान करोति, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। पेज नंबर 89 भी मैंने भेजा था, माणसो जने जनाया बराबर आपण मैं मोकल्यू तो। हवे आगळ पेज नंबर 90 मुनि इकारांत पुलिंग शब्द प्रथमा मुनि द्विवचन मुनि मुनय द्वितीय मुनिम मुनि मुनिन तृतीय वचन मुनिना मुनिव्यास मुनिबरह बहुवचन में एक वचन चतुर्थी एक वचन मुनेय मुनिभ्याम मुनिभ्यम पंचमी एक वचन मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य षष्ठी एक वचन मुने मुनयो मुनिनाम सप्तमी एक वचन मुनो मुनयो मुनिषु सबंध हे मुने हे मुनि हे मुन मुनय। आवी ज रीते निधि भंडार पदाति पगे चालनारो पग पाड़ो हरि विष्णु नृपति राजा वगैरे नामना रूपो थाय छे। पण हरिनू तृतीय एक वचन हरिणा अने बहुवचन हरिणाम थाय छे। फरी वाँचू देखो फिर से बराबर एज रीते निधि भंडार भंडार याने कोई भी इकट्ठा किया हुआ पदाति याने पगे चलनारो पदाति याने पैर से चलने वाला पग पाड़ो याने पैर से चलने वाला हरि विष्णु हरि याने भगवान विष्णु नृपति याने राजा नृपति याने राजा वगैरह नामों ना रूपो थाय छे। ये सब के नाम होते हैं। हरिनु तृतीय एक वचन हरि का तृतीय एक वचन हरिणा बराबर हरि एक वचन और तृतीय वचन में हरिणा अने बहुवचन हरिणाम थाय छे बराबर हरिणाम अपने हरि का नाम लेते बहुवचन अपने लेते हैं ऐसे और हरिणा यानी सब जन लेते हैं। कोष्टक तीसरा भानु उकारांत पुलिंग शब्द एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा एक वचन में भानु भानु पहले में देखो भानु हो भानु भानव हो एक वचन द्वितीय भानु 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 न तृतीय भानु ना भानु प्याम भानु भी चतुर्थी एक वचन भानवे भानुभ्याम भानुभ्य पंचमी एक वचन भानोह भानुभ्याम
भानुभ्यः षष्ठी एकवचन भानो भानुओ भानुनाम सप्तमी एकवचन भानौ भानवोः भानुषु सबंधन एकवचन हे भानो हे भानु हे भानवा। आज रीते गुरु 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 शिक्षक साधु सज्जन भलो मानस बराबर साधु याने सज्जन और भला इंसान। गुरु तो गुरु या शिक्षक होता है, साधु तो सज्जन या अच्छा आदमी होता है, पशु तो पशु होता है पक्षी हो, वायु तो पवन यानी हवा, बंधु भाई सगा मित्र कोई भी, मानस वगैरह नामना रूप होता है। पण गुरु नु तृतीय एक वचन गुरुणा, पण गुरु का तृतीय एक वचन क्या होता है गुरुणा, अने षष्ठी बहुवचन गुरुणाम बराबर। गुरु का गुरुणाम अने गुरुणाम थाय छे। आगळ लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में प्रथमा एक वचन लता हा नहीं है फक्त लता लते लता हा। द्वितीय एक वचन लताम लते लता। तृतीय लतया लताभ्याम लता भी। चतुर्थी एक वचन लतायी लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी एक वचन लतायाः लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी एक वचन लताया लतयो लतानाम। सप्तमी लतायाम लतयोः लतासु। सबंधन एक वचन हे लते हे लते हे लतः। आवी रीते मक्षिका एटले माखी विक्रिया विकार शादिका कार्य ने सिद्ध करनारी मनोदशा मननी दशा मुद्रिका वीटी वगैरह नामों रूपों थाय छे बराबर। इन सबके नाम के रूप होते हैं। आगे भूमि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एक वचन भूमि द्विवचन भूमि बहुवचन भूमय। द्वितीय एक वचन में भूमि म द्विवचन में भूमि बहुवचन में भूमि ह। तृतीय एक वचन में भूम्या द्विवचन में भूमिभ्याम बहुवचन भूमि मह। चतुर्थी एक वचन भूम्ये भूमये भूमिभ्याम और बहुवचन भूमिभ्यः। पंचमी एक वचन भूम्या भूमे द्विवचन में भूमिभ्याम बहुवचन में भूमिभ्यः। षष्ठी में भूम्या भूमे भूमिहो बहुवचन भूमि नाम। सप्तमी भूम्या म भूमो भूमिहो भूमि म संबंधो ए भूमि हे भूमि हे भूमय। आवी ज रीते वृष्टि वर्षा सही आवी ज रीते वृष्टि तो वरसाद संहिति तो संगठन हानि तो नुकसान वगैरह नामों रूप थाय छे बराबर। नदी इकारांत प्रथमा नदी नदो नद। द्वितीय नदी नदो नदी। तृतीय नदा नदीभ्याम नदीभि। चतुर्थी नदे नदीभ्याम नदीभ्य नदा नदीभ्याम नदीह। षष्ठ नदा नदो नदी नाम। सप्तमी एक वचन नदा नदो नदीसु सपंदो हे नदी हे नदो हे नद। आवी ज रीते शताब्दी शंकु बराबर। शताब्दी तो शंकु या सदी होता है। तादृशी तो तेवी अड़गुली आंगली वड़े नामों रूपों थाय छे। तो मैंने आज आपको 90 और 91 पेज नंबर पढ़ाया। आप ये सुनना और उसको भी लिखना। ओके बाय। गुजराती मीडियम ने पण लखवानुं छे अने वाँचवानुं छे। इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम। ओके बाय।